बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्मित के साथ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की दीनी दुनियावी मुश्किलात जो आसान फरमाए और सेहत तो तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है अता फरमाए। सो आज हम आप लोगों के लिए लेके हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और आज हम बनाएंगे 12 मसाले वाले आलू के कबाब, जो कि आप ठेलों पर खाते हैं और गाड़ियों वगैरह में लोग आके जो है सेल करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये 12 मसाले वाले आलू के कबाब जो है वो किस तरह तैयार होते हैं और इसमें कौन कौन से मसाला ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। चलिए एक तो बनाते हैं, साथ आपको दिखाते हैं। आलू के कबाब के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम उनको धो लेंगे। बिस्मिल्लाह। आलू धोने के बाद इनको छील लेंगे। आलू को छीलने के बाद क्रश कर लेंगे। बारह मसाले वाले आलू के कबाब जो है वो हम ज़रा थोड़े से मुनफरद अंदाज में बनाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो आलू उबाल के बनाते हैं और हम आलू को क्रश करके बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इस तरीके से। इंशाल्लाह आप देखते जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। आलू को क्रश करने के बाद आलू में से पानी हम निकाल लेंगे, और इससे पहले आलू के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि आलू ने जो पानी छोड़ना वो ज़रा आलू जल्दी पानी छोड़ दें। आलू के ऊपर नमक डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। आलू के बीच में से इजाफी पानी जो है वो निकलना शुरू हो गया, और हम इसे दबा के इसमें से मज़ीद पानी जो है वो निकाल लेंगे। आलू में से पानी निचोड़ने के बाद आलू को दूसरी परात में रखते जाएंगे। आलू में से पानी निकालने के बाद अभी आलू को खोल लेंगे, क्योंकि इसके बॉल बने हुए हैं, इनको थोड़ा नरम कर लेंगे। सबसे पहले हम काट लेंगे हरे मसाला जात, धनिया, मेथी और पुदीना। मेथी, धनिया और पुदीने को काटने के बाद आलू के साथ शामिल कर लेंगे। अभी हम काट लेंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी काटने के बाद आलू और बाकी मसाला जात के साथ शामिल कर लेंगे। अभी हम डाल लेंगे बाकी मसाला जात। मसाला जात की गिनती जो है वो आपने खुद कर लेनी है, और चेक कर लेना कि हम 12 मसालों से कम नहीं डालेंगे, बल्कि ज़्यादा ही होगा हमारा कोई मसाला। इसमें फ्रेश मसाला जात और खुश मसाला जात सभी होंगे। और अभी हम शामिल कर लेंगे आलू के साथ नमक। नमक जो है हम चेक करके शामिल करेंगे, आप भी चेक करके शामिल कीजिएगा, क्योंकि शुरू में भी हमने नमक जो है आलू के साथ शामिल किया था, उसके बाद इसमें से पानी कुछ निचोड़ लिया था, और अभी नमक जो हम अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कर लेंगे। नमक के बाद शामिल कर लेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर जो है वो हमने घर में खुद पिसवाया हुआ है, और ये काफ़ी तीखी मिर्च है। इसके बाद शामिल कर लेंगे काली मिर्च,
चाट मसाला, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत ज़ीरा, खुश्क धनिया, और इसको हम हाथ से मसल लेंगे। अभी हम काट लेंगे हरा लहसुन। थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे अदरक और इसको हम कूट लेंगे। चूल्हे में आग हमने जला ली और चूल्हे के ऊपर रख लेंगे तवा। तवे के ऊपर डाल लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होने पे ऑयल के साथ शामिल कर लेंगे अदरक और साथ में शामिल कर लेंगे बारीक कटा हुआ हरा लहसुन। अदरक और लहसुन को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अदरक और लहसुन को हम इसलिए थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इनमें से महक जो है वो कम हो जाए। अगर आप कच्चा खाना पसंद करते हैं तो आप कच्चा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लहसुन और अदरक को थोड़ी देर के लिए पकाने के बाद परात में डाल लेंगे। अभी तमाम मसाला जात को आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाला जात को आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिए और अभी आलू के कबाब के गिर्द लगाने के लिए गोल जो है वो तैयार करते हैं। गोल तैयार करने के लिए हम लिए एक रकाबी और रकाबी के अंदर डालेंगे अंडे। अंडे के साथ शामिल कर लेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। अंडों को अच्छी तरह फेंट लेंगे। अंडे के साथ शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। और साथ में शामिल कर लेंगे थोड़ा सा बेसन। बेसन थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और इसको अंडे के साथ मिक्स करते जाएंगे। अंडे और बेसन का गोल भी हमारा तैयार हो गया टिक्की के गिर्द लगाने के लिए। अभी हम कबाब की टिक्कियां तैयार कर लेंगे और उसके लिए लगाएंगे हाथ पे थोड़ा सा ऑयल। आलू की टिक्की का साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। जिस साइज़ में आप चाहे बना सकते हैं, मोटी बड़ी गोल जिस तरह आप चाहें, मगर हम दरमियानी सी गोल सी बनाएंगे। इस तरह आलू की टिक्की तैयार करने के बाद इसे रखते जाएंगे हम कटिंग बोर्ड पे रख लेंगे। आलू के कबाब की टिक्की हमने तैयार कर ली है सारे मटेरियल की और अभी हम इनको फ्राई करते हैं। चूल्हे पर रख लेंगे तवा और तवे के ऊपर डाल लेंगे ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होने पे कबाब की तैयारी शुरू करते हैं। कबाब की टिक्की को अंडे और बेसन वाले अमेजे में डिप करेंगे। डिप करने के बाद तवे पर रख लेंगे। कबाब को एक साइड से थोड़ी देर के लिए पकाने के बाद अभी इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह कबाब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो रहे हैं।
कबाब को हल्की आंच पे तैयार करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि आलू जो है हम कच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं और हल्की हल्की आंच पे तैयार हो गए तो आलू अंदर तक जो है वो अच्छी तरह पक जाएगा। तो माशाल्लाह ये वाले कबाब हमारे ज़बरदस्त तैयार हो गए, चेक करें माशाल्लाह दोनों साइडों से ही ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह कच्चे आलू के कबाब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए, अंदर तक बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। आप भी हमारे तरीके को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई और इसका जायका कैसा रहा। कच्चे आलू के 12 मसाले वाले कबाब हमारे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं और इन्हें हम टेस्ट करेंगे दही के रायते के साथ, आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं। अबू जान और बच्चे आ गए हैं, अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं। हेलो, हाँ जी अब जी कच्चे आलू के कबाब कैसे तैयार है? माशाल्लाह बहुत मज़ेदार। हाँ जी बेटा जी, कच्चे आलू के कबाब का मज़ा आया? हाँ जी अभी बहुत मज़ा आया। तो माशाल्लाह ये हमारे कच्चे आलू के कबाब जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुँच जाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।